वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। दोस्तों उम्मीद है इस अनलॉक फोर में आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं 11th फिजिक्स या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो फिजिक्स है उसका टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है हमारा, मैंने पिछले क्लास में SI सिस्टम बताया था, याद की दोस्तों SI सिस्टम, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का यूनिट लिखाया गया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज का क्या यूनिट होगा, कि डायरेक्ट क्वांटिटीज का कोई लिमिट नहीं होता है। अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो आपने देखा था SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं और 2 जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं। मैंने कहा था इन्हीं 7 + 2 = 9 से मिलकर ही सारे हजारों फिजिकल क्वांटिटीज बनते हैं। ज्यादातर इसमें 95% फंडामेंटल क्वांटिटीज ही यूज होते हैं, 2 या 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज या उसमें एक ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को मिला मिलाकर नए नए फिजिकल क्वांटिटीज बनते हैं, बनाए जाते हैं, उसी का नाम होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका डिफिनेशन भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का आप यूनिट कैसे निकालेंगे। दोस्तों यूनिट फॉर्मूला से निकाला जाता है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आज जो इम्पोर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनका यूनिट निकालना सीखते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है इम्पोर्टेंट। इसमें लगभग हम आपको 50 डिराइव्ड क्वांटिटीज का दिखाएंगे, सिखाएंगे कि फॉर्मूला से कैसे यूनिट निकाला जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है इम्पोर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड इट्स SI यूनिट। इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनके SI मात्रक, इट्स SI यूनिट। शुरुआत हम लोग सबसे छोटा जो एरिया है उससे करते हैं, एरिया जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं, जिनका फॉर्मूला आप पढ़े हैं, जैसे स्क्वायर हो तो लेंथ इनटू स्क्वायर का साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ लंबाई L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ, ये फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला लगाएं, एरिया का कोई भी फॉर्मूला, किसी का भी एरिया ले लें, यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है या स्क्वायर मीटर होता है, लेकिन कैसे निकलता है ये देखिए आप। SI यूनिट ऑफ एरिया की बात करें, मैंने बिल्कुल छोटा से शुरुआत किया है, तो लेंथ L फॉर लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग स्क्वायर लेते तो उनका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड का भी मीटर ही होता है SI यूनिट। जो लेंथ का यूनिट होगा वही ब्रेथ का होगा, वही हाइट का होगा, वही थिकनेस का होगा, वही रेडियस का होगा, वही डायमीटर का होगा, याद रखें। तो इस तरह से एरिया का यूनिट का, इसमें हम लोग अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हिंदी में आयतन बोलते हैं, आप अगर क्यूबॉइड लेते हैं तो एल इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। SI यूनिट निकाले आप वॉल्यूम का, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों का मीटर पुट करेंगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर,
तो ये हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वॉल्यूम का एस आई यूनिट। एरिया का निकाला, वॉल्यूम का निकाल लिया, लेकिन मैं एक बात नोट में आपको बता देना चाहूंगा कि एस आई यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल होगा ब्रेथ, इक्वल होगा विड्थ, इक्वल होगा थिकनेस, इक्वल होगा रेडियस, इक्वल होगा डायमीटर, इक्वल होगा डिस्टेंस, इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस इक्वल होगा साइट। इन सब का एक ही यूनिट, आर्क का भी वही होगा, आर्क मतलब था चाप। इन सब का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, मीटर होगा। एम फोर क्या है, मीटर, इसको आप पूरा लिखिए तो मीटर और स्क्वायर कर दिए, मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मीटर लिख पूरा लिख दीजिए और क्यूब डाल दीजिए आप, मीटर क्यूब हो गया। सिंबल में एम पे पावर 3 लिखते हैं। तो ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आगे देखिए हम लोग बड़ी आसानी से निकालेंगे। अब डेंसिटी की बात करते हैं हम लोग, डेंसिटी जिसको आप घनत्व कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आप पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मास अपॉन इंक, इंक मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो इनका क्या होगा एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी। मास का दोस्तों क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। अभी पढ़ा ना वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और पिछले क्लास में पढ़ा मास। मास का एस आई यूनिट क्या होता है दोस्तों, केजी। मास का एस आई यूनिट केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इस तरह से निकला, क्या निकला, केजी पर मीटर क्यूब। दोस्तों ये जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, याद कीजिए, पहला लेंथ जिसका यूनिट मीटर, दूसरा मास जिसका एसआई यूनिट क्या था केजी, तीसरा टाइम जिसका एसआई यूनिट क्या था दोस्तों सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट जिसका एसआई यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट टेम्परेचर का एसआई यूनिट कैलविन, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का याद कीजिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये याद रखेंगे तभी आप ये सब निकाल सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं या केजी लिखें और मीटर ऊपर ले जाए तो -3 हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी का एसआई यूनिट। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक तीन फंडामेंटल तीन डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकाला है। इस तरह से हम लोगों को लगभग 50 से ज्यादा, इसमें हम लोग 11th और 12th दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं उनका यूनिट निकालना सीखेंगे। कोई चैप्टर ऐसा नहीं होता है जिसमें आपको यूनिट नहीं निकालना है, डायमेंशन नहीं निकालना है। हमारा मेन मकसद है आपको यह सिखाना कि आप कैसे यूनिट निकालोगे, कैसे डायमेंशन। मैंने बिल्कुल बेस से शुरू किया है। इसी तरह से हम लोग स्पीड की बात करें, स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप इनका यूनिट खुद निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार दोस्तों, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड होगा या मीटर सेकेंड इनवर्स होगा, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी जिसको हिंदी में वेग कहते हैं, फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो क्या होगा इसका एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी,
तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का मीटर टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इन्वर्स करेंगी। फिर एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन हिंदी में त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था डीवी बाई डीटी। मैंने पहले कैलकुलस पढ़ाया है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, और डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला मैंने एक्सीलरेशन का लिखाया है, डीवी बाई डीटी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। जो यूनिट वेलोसिटी का होगा वही चेंज इन वेलोसिटी का होगा। याद रखें दोस्तों, घटाने या जोड़ने से यूनिट नहीं बदलता है। जैसे देखिए, जैसे 10 kg -2 kg, तो 8 kg ही होगा ना, घटाने से यूनिट नहीं बदलता है। इसी तरह से 10 मीटर -5 मीटर, तो क्या होगा, 5 मीटर ही होगा। तो घटाने से, या अगर आप जोड़ते भी हैं तो क्या होगा, 15 मीटर, मीटर ही हुआ ना, हर जगह यूनिट क्या रहा है, सेम रहता है। तो चेंज निकालते, चेंज कैसे निकालते, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को माइनस करते हैं आप, तो चेंज करने से, वेलोसिटी को मतलब माइनस करने से यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एसआई यूनिट यहां पर आप जो अगर निकालना चाहें एक्सीलरेशन का, आसानी से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग फोर्स पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फोर्स पे आ रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। हिंदी में बल बोलते हैं, एफ बराबर एम ए पढ़ा होगा, एम ए एम फोर मास एंड ए फोर एक्सीलरेशन। अब यहां पे ये सवाल उठता है, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा। तो दोस्तों मास का क्या लिखेंगे, केजी, और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर अभी निकाला ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास का केजी, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। लेकिन इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। न्यूटन का नाम सुना होगा, फिजिक्स के महान साइंटिस्ट, इनका फिजिक्स में बहुत बड़ा दान है। इसलिए जो है न्यूटन साहब को हम लोग सम्मान देते हैं। वे फोर्स का एसआई यूनिट जो है, जो फेमस है, वो न्यूटन है। अब ये न्यूटन किसे कहते हैं, तब आप कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। तो यहां नोट में आप इसको याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना फोर्स के फिजिक्स नहीं, बार बार आप फोर्स की बात होगी, इसलिए फोर्स का एसआई यूनिट तो हर किसी को याद होना चाहिए। पूरा लिखेंगे तो न्यूटन का स्मॉल एन से लिखना शुरू करेंगे, और अगर सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे। एक तो ये पॉइंट याद रखें, दूसरा इनका सीजीएस यूनिट क्या होगा, फोर्स का सीजीएस यूनिट याद कीजिए। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 9th में डाइन होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी याद रखें, ये डाइन होता है, डाइन। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक न्यूटन कितना डाइन होता है, 1 N, N फोर न्यूटन, 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर होगा 10^5 डाइन के। कैसे होता है 1 न्यूटन 10^5 डाइन के, ये सब बातें मैं आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन के कैसे होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल 10^5 डाइन के होता है। अब हम लोग दोस्तों इसको इरेज कर रहे हैं, आप इसे नोट कर लें, डाउनलोड कर लें, और फिर उसके पढ़ें, कॉपी में लिखें इसको। लॉकडाउन है, जब तक 21 से तो उम्मीद है कि कुछ है ना, आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, मार्गदर्शन के लिए विद्यार्थी जा सकते हैं। ये नए है ना अनलॉक 4 का जो गाइडलाइन है, जब तक आप ऑनलाइन जरूर मेहनत से पढ़ें। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी निकाला था फोर्स का एसआई यूनिट।
यहाँ एक और क्वेश्चन है कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो कहेंगे 1 न्यूटन होगा, 1 न्यूटन होगा। इसी तरह से अगर पूछा जाए 1 डाइम कितना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं 10^-5 न्यूटन होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनर्जी पे आते हैं, एनर्जी। अच्छा, एनर्जी से पहले वर्क देख लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा आसानी होगी। वर्क क्या होता है? एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ फोर फोर्स एंड एस फोर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर। लेकिन यहां भी एक और साइंटिस्ट को सम्मान देते हैं, जूल साहब को। किसको सम्मान देते हैं? जूल को। इसलिए एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है, जो फेमस है, वो जूल है। तो यहां भी आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा। वर्क जो है वो जूल है। और ये याद रखना है कि 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। अब हम लोग बात करें एनर्जी की, एनर्जी, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? आपने पढ़ा होगा द कैपेसिटी टू डू वर्क। यहां हम लिखेंगे वर्क डन के। ये सब तो देखिए अलग से चैप्टर्स में हम लोग पूरा तो पढ़ेंगे ही। डिफिनेशन पूरा साल भर करना क्या है आपको, एक एक के बारे में डिफिनेशन फॉर्मूला कहां से आता है, ये सब बातों का हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है, मान लीजिए ये फॉर्मूला मालूम है, जैसे फोर्स का ही या फिर वर्क का ही ले लें, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला देख करके यूनिट निकालना सीखना। फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर हुआ। लेकिन जूल साहब जो उन्होंने बहुत काम किया एनर्जी के फील्ड में, तो उन्हीं के सम्मान में इसको जूल कहते हैं। इसलिए फेमस जो है वो जूल है। फेमस क्या है? जूल है। और 1 न्यूटन मीटर को ही हम 1 जूल कहेंगे। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें, एनर्जी ये वर्क डन के बराबर हुआ, तो वर्क का क्या हुआ? जूल हुआ। इसलिए इसका भी क्या होगा? जूल ही होगा। अब फिर नोट में याद रखें आप कि एनर्जी का कोई फॉर्म हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज सेम एसआई यूनिट। सबका एक ही यूनिट होता है, एसआई यूनिट, दैट इज जूल। हर एक का एक ही एसआई यूनिट, वो जूल होता है। All form of energy has same SI unit, that is joule. ऊर्जा के कोई भी फॉर्म हो, उन सब का SI यूनिट एक ही होगा, वो क्या होगा? जूल होता है। और CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, ये भी याद रखना है, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी हमारा क्या होता है दोस्तों? ये होता है अर्ग, ERG, अर्ग। एक जूल कितना अर्ग होता है, ये भी याद रखें। 1 जूल, 1 जूल इक्वल 10^7 अर्ग के होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह 1 अर्ग बराबर होगा 10^-7 जूल के। ये सारे जो नोट में लिखाए आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपटीशंस के लिए भी और 11th-12th बोर्ड में भी। क्योंकि आप पता है 50% आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, इसलिए नोट का मतलब ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आप अच्छे से मेहनत करें, इसी तरह की जो अदर क्वांटिटीज हैं उनका भी आप एसआई यूनिट निकालना ना भूलें। सबको याद करें। धन्यवाद।